ताज नगरी में 10 जून से पहले लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने भी बढ़ते तापमान को लेकर अलर्ट जारी किया है। शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बीके अग्रवाल ने भी बढ़ते तापमान को लोगों के लिए नुकसानदायक बताया है। ताज नगरी में बदलते मौसम के मिजाज के चलते लगातार मौसम में कई बदलाव देखे जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर तापमान में जो है वृद्धि देखी जा रही है और लगातार अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। उल्टी दस्त मांसपेशियों में शिकायत के कई केस अब जिला अस्पताल एसएन मेडिकल कॉलेज का रुख कर रहे हैं, लेकिन अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक काफ़ी धूप रहती है तो लोगों से कहा सावधानी बरतें, लेकिन चूंकि काफ़ी लोगों को चक्करों की भी शिकायत है तो अब ऐसे में बढ़ते तापमान के बीच जिस तरह के केसेस आ रहे हैं उस पर क्या कुछ कहना है शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बीके अग्रवाल जी का, ये उनसे जानते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी गर्मी का प्रकोप मैं देख रहा हूँ कि एक दो दिन से बहुत बढ़ा है। बीच में टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था तो उसकी वजह से कुछ राहत भी मिली थी, पानी पड़ा कुछ राहत मिली, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है तो जो 3 या 4 तरीके के जो रोगी हैं, जैसे उल्टी दस्त वाली शिकायत है जो आपने बताया, डायरिया, डिहाइड्रेशन है जिसमें पानी की कमी हो जाती है, दूसरा अगर कोई खाने पीने में कोई गलत चीज़ पहुंच जाती है अंदर पेट में तो उसकी वजह से डिसेंट्री की भी शिकायत हो जाती है, तीसरा जो एक प्रॉब्लम आती है वो है कि हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि अक्सर लेग क्रैम्स, पैरों में थकान, स्किन एकदम सूखना, जवान सूखना और एकदम कमजोरी आना, चक्कर आना, गिर जाना, ये हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। उसमें क्या है, शुरुआती दौर में तो पसीना निकलता है, बाद में फिर पसीना निकलना भी बंद हो जाता है तो ड्राई स्किन हो जाती है। तो कई जो लेबरर क्लास के जो लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनका जिनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि पानी और नमक मिला के, पानी में नमक और चीनी का घोल, नींबू शिकंजी, नमक का घोल, ORS, इस टाइप की चीज़ें उनको सेवन करना चाहिए। ऐसे लोग जो जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है और हार्ट के भी पेशेंट हैं और BP के भी पेशेंट हैं, उनके लिए कितना घातक हो सकता है अगर ये अगर हीट स्ट्रोक की बात करें उन्हें, लेकिन क्या कुछ सावधानी उनको बरतनी चाहिए और उनके परिजनों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं कि जो एक नाजुक उम्र है जैसे 60-70 के अगर ऊपर जाते हैं या अपने बच्चे हैं तो डायरिया, डिहाइड्रेशन में उनको सीरियस स्थिति में जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता तो उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे किडनी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट को पानी एक लिमिटेड मात्रा में बताया जाता है, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन उनका कम है, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी उनकी कम है, ऐसे ही किडनी के पेशेंट हैं उनको भी, जिनको स्वेलिंग है, जिनको पानी पेशाब कम आता है, तो ऐसे लोगों को भी ये हिदायत दी जाती है कि भाई आप पानी कम मात्रा में पिए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, इस तरह नींबू पानी का सेवन करें, शिकंजी का सेवन करें, क्योंकि लेकिन इसमें मीठा भी होता है और नमकीन भी होता है और BP वाले मरीज के लिए कहीं ना कहीं नमक बहुत मायने रखता है तो उसको कैसे मैनेज करें? देखिए, अगर हमारा पसीना निकल रहा है और अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का रोगी है, BP की गोली खा रहे हैं, तो मैं उनको एक बात ज़रूर बता दूं कि गर्मी के टाइम पे अक्सर ये देखा जाता है, मैं कई अपने पेशेंट में देख रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जब से ये टेम्परेचर बढ़ा है कि ब्लड प्रेशर की गोली लगभग आधी मात्रा में उनकी रह रही है, मतलब अब उनका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, मेरे को टैबलेट को रिड्यूस करके आधी मात्रा में करना पड़ रहा है। सभी में नहीं है बट काफ़ी कुछ पेशेंट में ऐसा होता है, तो ऐसा हो रहा है, तो इसलिए अब अगर गर्मी का टाइम है, शुरू हो गया है और आप अपनी दवाइयाँ BP की ले रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पे उनको BP नब्बा के मैनेज करा लें अपने चिकित्सक से बात करके और उन गोलियों को, क्योंकि अगर वो गर्मी में जाते हैं, अगर वो काम पे जाते हैं और पसीना निकलता है, पानी की मात्रा कम पीते हैं तो, और BP की गोली पहले से खा रहे हैं, पहले से उनका लो ब्लड प्रेशर चल रहा है, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस, चक्कर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब तो ये थे हमारे साथ शहर के जाने माने वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर बीके अग्रवाल, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अलर्ट के बाद जानकारी दी कि किस तरह आप लोगों को लू से बचना है और किस तरह अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है, और साथ ही स्वच्छ जल पीने की बात कही है, चाहे और अगर बात करें गर्मी को देखते हुए डिहाइड्रेट रहने के लिए या उसमें कहीं ना कहीं जो ताज़े फल हैं, कटे हुए फल ना खाएं, साथ ही नींबू, शिकंजी, छाछ का आप सेवन कर सकते हैं।
इमरजेंसी हो तो खुद से दवाई ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिकित्सक से अवश्य परामर्श ले लें, ताकि हर बीमारी का अपना अलग इलाज है और उसकी हर अपनी अलग दवा है। तो कहीं ना कहीं एक निश्चित मात्रा में दवाई आप इमरजेंसी में आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लगातार उस दवाई को कंटिन्यू करें वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। अपने साथी इंद्रजीत के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।